दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने सभी विधायकों के साथ एक बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं समय सीमा पर उनको पूरा किया जाए, फिर चाहे वह नल जल योजना हो या कोई और योजना। रीवा के प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारी कर्मचारियों की बैठक करके उन्हें निर्देशित किया। प्रदेश शासन की मंशा है समय सीमा निर्धारित करके सभी कामों को प्राथमिकता के हिसाब से पूरा किया जाए, जिसके चलते रीवा जिले के प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार में अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली, उचित दिशा निर्देश दिए। उनका साफ तौर से कहना था इस समय जितने भी काम चल रहे हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उनका कहना था नल जल योजना का काम प्राथमिकता से निपटाया जाए। इस समय गर्मी का मौसम है, पीने के पानी की सर्वाधिक समस्या है। दूर दराज के इलाकों में हमें पानी पहुंचाना है, यह तभी होगा जब एक समय सीमा निर्धारित होगी। किसी भी काम की किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी कर्मचारी काम को गंभीरता से कराएं, मॉनिटरिंग ठीक तरीके से की जाए जिससे काम की क्वालिटी भी बेहतर हो और काम भी समय सीमा के अंदर हो जाए। आइए आपको सुनाते हैं रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर के मोहन सभागार में बैठक करने के बाद रीवा जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। समीक्षा करते हैं। आज ये बैठक इसलिए भी रखी गई कि जितने भी कार्य स्वीकृत हुए हैं, चाहे आवास का हो, चाहे नल जल योजना का हो, चाहे अन्य कार्य हो, सभी कार्यों को समय सीमा पर पूरा किया जाए, इसके संबंध में आज बैठक यहाँ पर रखा गया। धन्यवाद।